क्लास सेवेंथ की संस्कृत का पाठ सात। इस पाठ में भोपाल के बारे में बताया गया है, भोपाल नगर के बारे में। सप्तमः पाठः भोपाल नगरम्। और ये वाला वीडियो इस लेसन का पार्ट वन है, पार्ट टू इसके बाद आपको मिलेगा। तो आइए पढ़ते हैं पेज नंबर 25 पर। सप्तमः पाठः भोपाल नगरम्। संदीपः स्कूटर यानेन मार्गे गच्छन् सुनीलं पश्यति। संदीप स्कूटर से रास्ते में जा रहा था, तब उसने सुनील को देखा। पश्यति मीन्स देखना। ततः स्कूटर यानात् अवतीर्य सुनीलस्य समीपं गच्छति पृच्छति च। तब वह स्कूटर से अवतीर्य मीन्स होता है उतरकर, स्कूटर से उतरकर सुनील के पास जाता है और पूछता है। संदीप, संदीप कहता है, भो सुनील तुम अत्र किं करोसि। भाई सुनील तुम यहाँ क्या कर रहे हो। सुनील, हे संदीप अहम् अस्य सरोवरस्य सौंदर्यं पश्यामि। मैं यहाँ तालाब की सुंदरता देख रहा हूँ। संदीप, मित्र अयम् सरोवरः तु अस्माकं भोपाल नगरस्य वैशिष्ट्यम् अस्ति। तो संदीप क्या कहता है सुनील को कि दोस्त मित्र यह तालाब तो हमारे भोपाल नगर की विशेषता है। सुनील, सुनील कहता है किम कथसि क्या कह रहे हो। अहम् तु न जानामि मैं तो यह नहीं जानता हूँ। यतो हम का मीन्स होता है क्योंकि। अत्र भोपाल नगरम प्रथम बारम एव आगतः। मैं यह नहीं जानता हूँ क्योंकि मैं भोपाल में पहली बार आया हूँ, ऐसा सुनील कहता है। संदीप, यथेव तर्हि आगच्छ अहम् त्वां भोपाल नगरम दर्शयामि। यदि ऐसा है तो आओ हम, मैं तुम्हें आज भोपाल नगर के दर्शन करवाता हूँ। मीन्स मैं तुम्हें पूरा भोपाल नगर आज घुमाता हूँ। पूरा भोजपाला इति भोपाल नगर से नाम अस्ति। प्राचीन काल में भोपाल नगर का नाम या भोपाल शहर का नाम भोजपाल था। भोपाल नगर मध्य प्रदेश से राजधानी अस्ति। भोपाल नगर मध्य प्रदेश की राजधानी है। अस्य नगरस्य महत्वम प्राचीन कालादेव वर्तते। इस नगर का महत्व तो प्राचीन काल से ही है। किम तुम नौका विहारं कर्तुम इच्छसि। क्या तुम नौका विहार करना चाहते हो। नौका विहार मीन्स बोटिंग। नाव में जो तालाब है, तालाब में नाव चलती है वहां पर भोपाल में, तो वहां बोटिंग करना चाहते हो। सुनील कहता है आम, आम मीन्स हाँ। आगच्छ आवाम नौका विहारं कुर्वन्ता वेव भोपाल नगरस्य सौंदर्यं पश्यावः। हाँ चलो आओ, नौका विहार करते हुए हम भोपाल शहर की सुंदरता देखते हैं। संदीप, संदीप कहता है इदं नगरं सरोवराणां नगरं इति कथ्यते। संदीप कहता है कि इस शहर को सरोवर का शहर भी कहा जाता है। अत्रस्थ विशालतम सरोवर देशे एकः एव अस्ति। यहाँ स्थित जो विशाल तालाब है, बहुत बड़ा तालाब है, वह देश में एक ही है। पूरे देश में सबसे बड़ा तालाब कहाँ पर है, तो भोपाल नगर में है। नेक्स्ट पेज पर आइए। सरोवरे नौका विहारम अस्य सौंदर्यम द्विगुणयति। तालाब में नौका विहार और इसकी सुंदरता को दुगुना कर देता है। मीन्स जब तालाब में अपन नाव में बैठकर और फिर जो सुंदरता देखते हैं तो वो सुंदरता अलग ही नजर आती है। वर्षा काले तु नगरस्य हरिदिमा दृष्ट्वा नगरवासिनः पर्वतीय स्थानानि हिल स्टेशन इति विस्मृत्य अत्रैव रमन्ते। क्या बोलता है संदीप कि वर्षा काल में जब बारिश के दिन होते हैं तब जो नगर के लोग होते हैं वो नगर की हरियाली, बारिश के दिनों में हरियाली उभरती है, तो नगर
मयूर उद्यानम, नेहरू उद्यानम, चिनार उद्यानम, बालोद्यानम, वन विहारम च नगरस्य प्राकृतिक शोभां संवर्धयन्ति। यहाँ पर जो मयूर उद्यान है, नेहरू उद्यान है, चिनार उद्यान, बालोद्यान और वन विहार, उद्यान में स्वतः बगीचा, ये सारे बगीचे हैं, ये सभी जो है ये शहर की प्राकृतिक शोभा को बढ़ाते हैं। सुनील, सुनील कहता है संदीप, सांची, भोजपुरम, भीमबेटका इत्यादि ऐतिहासिक स्थानानि अस्य नगरस्य समीपे एव सन्ति। सुनील कहता है कि जो सांची है, भोजपुर है, भीमबेटका है, ये सारे जगह भी यहाँ से पास में ही है ना। संदीप कहता है आम, हाँ, भोजपुरे विशालम शिव मंदिरम अस्ति। भोजपुर में एक बहुत बड़ा शिव मंदिर है। सांची स्तूपम तु विश्व प्रसिद्धम एव, और जो सांची के स्तूप है वे तो पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भीमबेटकायां शैल चित्राणि सन्ति, और भीमबेटका में शैल चित्र है, शैल चित्रकला की गई है। एतानि स्थानानि दृष्ट्वा जनाः मुदिताः चकिताः च भवन्ति। इन सभी स्थानों को देखकर, दृष्ट्वा मीन्स देखकर होता है, इन सभी स्थानों को देखकर लोग प्रसन्न और चकित, चकित मीन्स आश्चर्यचकित होते हैं। ते दूरतः एव अत्र आगच्छन्ति, और वे सभी दूर दूर से यहाँ पर इन सब चीजों को देखने आते हैं। यहाँ पर लेसन 7 का पार्ट फर्स्ट फिनिश होता है।